मंदसौर शहर में संजीत ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 6 साल बाद भी अधूरा है। अधूरे काम को तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर शिवसेना ने शहर में चक्का जाम कर दिया। मंदसौर शहर के संजीत नाके पर 30 करोड़ की लागत से बन रहे संजीत ओवरब्रिज का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता नाहर सिंह गौड़ व कार्यकर्ताओं ने शहर में चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सेतु विभाग के SDO शहर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कार्य को जल्दी पूरा करवाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर शिवसेना के कार्यकर्ता माने और उन्होंने अपना चक्का जाम खत्म किया। संजीत रोड पे जो ओवरब्रिज बना है इसका काम पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से शिवसेना द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया था। जो पुल के प्रतिनिधि जो हैं है ना, उनके द्वारा काम शुरू करने के लिए 10 दिन का टाइम मांगा गया है, उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट करा दिया जाएगा। वहीं शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष नाहर सिंह गौड़ ने बताया कि संजीत ओवरब्रिज पर सीमेंट कॉन्क्रीट की जगह मिट्टी डाल दी गई है। बारिश के समय यहाँ हादसे हो रहे हैं। पूर्व में भी रहवासियों ने यहाँ चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो जनता उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। 2018 में संजीत नाके पर ओवरब्रिज का पुलिया का निर्माण कार्य चालू हुआ था। 2023 11वें महीने में इसका निर्माण पूरा हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर आवागमन शुरू हो चुका था। उसके बाद 8-9 महीने बाद में देखिए, थोड़ा सा ये 500 फीट के दायरे का उन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया है और इससे पहले भी ये सेतु विभाग का जो ठेकेदार है ब्लैक लिस्टेड रहा है और उसी का इन्होंने दर्शाते हुए इसको काम अधूरा छोड़ दिया, जिससे कई लोगों के सर पे चोटें आई हैं और कई लोग गिर चुके हैं, कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। और यहाँ के रहवासियों द्वारा पहले भी 1 महीने पहले भी ज्ञापन दिया, चक्का जाम किया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।